एक्सपोनेंट्स जो है, सबसे पहले एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ द एक्सपोनेंट इज, एक्सपोनेंट एंड पावर्स सेम वर्ड है, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है. डिफरेंट वर्ड जो है इसमें, दैट इज द बेस. टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज टू रेज आवर फोर. पढ़ा जाता है इसको ऐसे, टू रेज टू पावर फोर. नाउ अब अगर क्वेश्चन होगा ऐसे, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, वी कैन राइट थ्री रेज टू पावर फाइव. एंड पढ़ना कैसे है? थ्री रेज टू पावर फाइव, एंड दिस इज कॉल्ड द बेस. दिस इज कॉल्ड द पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, एग्जाम जल्दी आए करो, क्लास एग्जाम का है. नाउ अब अगर क्वेश्चन होगा ऐसे, फाइव इंटू फाइव, वी कैन राइट इट लाइक दिस. एंड इसको आप दो तरीकों से पढ़ोगे. एक सेकंड, फाइव रेज पावर टू ये बेहतर नहीं रहता है अगर हम इसको फाइव रेज टू पावर टू पढ़ेंगे. हमें पढ़ना कैसे इसको? जब रेज पावर टू होगा या रेज पावर थ्री होगा, उसको हम दूसरे वर्ड से भी पढ़ सकते हैं. कौन से वर्ड्स? अगर फाइव रेज पावर टू होगा, वी कैन रीड लाइक दिस, फाइव स्क्वायर. ओनली वी हैव टू से फाइव स्क्वायर. नाउ फाइव क्यूब को हम, ये भी गलत नहीं है, बट लगेगा कि ऑड है, बच्चे को पता नहीं. फाइव रेज टू पावर थ्री कोई कह सकता है, नौ बच्चों में से एक बच्चा कह सकता है गलती से भी, मतलब गलती भी नहीं है, ठीक है, मगर इसको परफेक्ट वर्ड है फाइव क्यूब. जब भी रेज पावर टू होगा, वी कैन रीड इट लाइक फाइव स्क्वायर. जब भी रेज पावर थ्री होगा, वी कैन रीड इट लाइक फाइव क्यूब. दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स. आई विल रिपीट, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट या पावर. जैसे अभी मैंने लिखा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, वी कैन राइट लाइक दिस, थ्री रेज पावर फाइव. तो दिस इज कॉल्ड द बेस एंड दिस इज कॉल्ड द पावर और एक्सपोनेंट. ये चैप्टर 8th में भी है बोर्ड में, ये चैप्टर 10th में लॉगरिथम में भी यूज है, 9th में भी, इसीलिए हर चैप्टर में, 11th 12th में भी फिर ये रिपीट ही हो जाएगा. इसलिए ये बेस है 7th, इसलिए इसको पूरा अच्छे से समझना. तो अभी मैंने बोला अगर ऐसे होगा, सो वी कैन रीड इट लाइक थ्री स्क्वायर. डायरेक्टली यू हैव टू से इट इज थ्री स्क्वायर. गलती से भी थ्री रेज पावर टू नहीं बोलना, वो भी मार्क्स नहीं कट जाएंगे, बट फॉर्मेट इसका असली बोलने का तरीका जो है वो ये ऐसे होगा. सो वी कैन से थ्री क्यूब, ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ इफ द क्वेश्चन इज थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, आपको क्वेश्चन होगा यूज इट, राइट इट वंस अगेन. इफ द क्वेश्चन इज लाइक राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो कैसे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर के फॉर्म में. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, थ्री रेज पावर फोर. बस क्वेश्चन ये होगा, ठीक है. नाउ इस फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड या एक्सपेंड फॉर्म में, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना है. थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन इंटू थ्री 81, 81 इंटू थ्री दैट इज 243. जैसे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यू हैव टू राइट टू रेज फॉर फाइव, और यू कैन ऑल्सो राइट 32, बिकॉज टू इंटू टू इज फोर, फोर टू आर एट, एट आर 16, 16 टू आर दैट इज 32. नाउ क्वेश्चन होगा ऐसे, कभी ऐसे भी होता है अल्फाबेट्स का पावर, राइट इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म.
सो यू आप बोलोगे कैसे लिखेंगे, शायद ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट ए 3 टाइम्स, डॉट क्रॉस डालने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में, सीधे पता चलता है जब बीच में कुछ नहीं होता है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। दिस इज द आंसर, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इफ द क्वेश्चन इज लाइक ओके, अगर क्वेश्चन होगा आपके सामने, क्वेश्चन होगा राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मगर ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा होगा राइट दिस नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो कैसे लिखोगे? फैक्टर जिसको आते हैं वही कर सकता है, 216R, 28R, 24R, 22R, 21R, सो वी विल राइट हेयर 2 रेज पावर 5। अब जरूरी नहीं है बार बार यही आए, इट कैन बी कभी ऐसा होगा एटी वन भी मैं भी ऐसा आएगा सेम नंबर्स, जैसे 327R, 39R, इट इज 3 डेज पावर 4। अब अगर कभी ऐसा आएगा 20 है, 210R, 25R, 51R, तो यहाँ पे आएगा 2 रेज पावर 2 इंटू 5, वहां आपको इंटू जरूरी डालना है क्योंकि वरना लगेगा 25। आप बोलोगे अभी मैम ने बोला इंटू जरूरी डालना नहीं है, वो ज्यादा अल्फाबेट्स के बीच में होता है, तो यहाँ पे इसको ऐसे आएगा, ठीक है, जब कुछ नहीं लिखते हैं रेज पावर दैट मीन्स 1, ये आप याद रखोगे। वंस अगेन क्वेश्चन होगा सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई कर दो, क्वेश्चन होगा लाइक 3 इंटू 10 रेज पावर 2, तो आपको ऐसे नहीं करना, 3 10R 30 लिखोगे फिर 2 बार करोगे, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 इंटू 10 रेज पावर 2 मीन्स 20 नहीं होता है, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, ये 2 इंटू 20 है, इट इज नॉट दैट, ठीक है, ये ऐसे है कि 2 बार आप अगर कंफ्यूजन को हटाना चाहते हैं तो डायरेक्टली यू कैन राइट 10 इंटू 10। नाउ 3 10R 30, 30 10R दैट इज 300 इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट लाइक 6 रेज पावर 2 4 रेज पावर 2, 6 4 इसको कर सकते हैं मगर वैसे नहीं करना, पहले अभी आप ऐसे सीखो उसके बाद हम देखेंगे वो प्रश्न, वो लास्ट बार 6 2 बार 4 2 बार, 6 6 आर 36, 4 4 आर 60, नाउ मल्टीपल दीज टू द आंसर विल बी 576, दिस इज द आंसर। राइट डाउन फास्ट, ये आ गए समझ आ रहे हैं कुछ? यस मैम, ये सब समझ आ रहा यस है? मैम, यस मैम, ओके, लिख दो जल्दी, अभी क्वेश्चन मैं दूंगी ना तब पता चलेगा कौन कितना पानी में है। इफ द क्वेश्चन इज सिंपलीफाई 1 रेज पावर 7, बी पार्ट 1 रेज पावर 8, यहाँ पे कुछ चीजें आप याद कर रखना, ठीक है, बी पार्ट दैट इज नॉन के ऐसे होगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये तो पता है, ये नहीं लिखना आप 7 1 R 7, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 रेज पावर 7, 1 कितनी बार मल्टीपल करोगे, 7 टाइम्स, द आंसर विल बी 1, ठीक है, नाउ यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है, ये दो तो ठीक है, ये दो चीजें, इन दो का हमें ज्यादा मसला नहीं है, मसला हमें है इनका,
अब यहाँ पे है दो बार -1 × -1, दैट इज +1। अब अगर कभी ऐसे होगा -1 raised power 15, अब आप 15 टाइम्स देखो क्या करोगे यहाँ पे। आप ऐसे तो नहीं करोगे, आप 15 टाइम्स 1 लिखोगे, वो तो 1 ही आएगा, बट मसला आएंगे हमें साइन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप सिंपली 1 लिखोगे ठीक है, मगर आंसर होना चाहिए पता कि माइनस में कि प्लस में, उसके लिए आपको लॉन्ग मेथड पहले देखोगे, आप 15 टाइम्स मजबूर हो जाओगे लिखने के लिए। फिलहाल मैं वही दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक एक बोलूंगी। अगर आप 100 टाइम्स होगा फिर आपको 100 टाइम्स लिखना है। देखो माइनस माइनस, फिर आप करोगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसे पूरा खराब ही हो जाएगा पेपर भी। तो इसके लिए एक इजी ट्रिक है, अगर रेज पावर, अगर एक्सपोनेंट ऑड में होगा, ऑड नंबर होगा, देन इट विल ऑलवेज कम नेगेटिव। जैसे अगर 100 होगा, 100 इज इवन नंबर, एक्सपोनेंट इज 100, दैट मीन्स पावर इज इवन, नो नीड टू राइट -1 × -1 100 टाइम्स, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव। +1 इज द आंसर, हियर द आंसर इज -1 बिकॉज रेज पावर इज नेगेटिव। ठीक है ना, अब 1 का ही जरूरी नहीं है। अब आप बोलोगे मैंने शायद 1 का ही बोला, खाली 2 raised power 5 है, -2 raised power 5 होगा या -2 raised power 6 होगा। अब ये तो पता है यहाँ पे 32 आएगा, बिकॉज 2 5 बार करोगे तो 32 आएगा, बट मजबूर आप कहाँ पे हो, माइनस होगा कि प्लस, क्योंकि मार्क्स हाफ इसको आएंगे हाफ साइन को आएंगे। इवन नंबर नहीं है, ऑड है, सो यू विल पुट हियर -32। अब यहाँ पे ऑड है ना, इवन है, पहले 64 आएगा इसको, 6 टाइम्स व्हेन वी मल्टीपल 2 6 टाइम्स द आंसर इज 64। नाउ दिस इज इवन नंबर, सो द आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव, समझ आ रही बात? हाजिक फातिमा यस मैम, समझ आ रहा है? ओके वंस अगेन, नेक्स्ट थिंग, ये मैं आपको आज बेसिक्स बेसिक्स सिखा रही हूँ। अब क्वेश्चन होगा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऐसे भी क्वेश्चंस है इसमें, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। वैसे एनसीईआरटी बुक का बहुत अच्छा चैप्टर, मतलब उस पर अच्छे से ही समझाया, उसी पे हम जाएंगे, और कुछ एडिशनल बुक्स का भी करेंगे जैसे हम यूजुअली करते हैं। 5 raised power 3 मीन्स 15 आएगा ना, आप 15 नहीं लिखना, 3 5 are 15 और 6 2 are 12, ऐसे नहीं करना, ये 3 बार आपको लिखना है, और यहाँ पे 6 2 बार, 5 5 25 25 × 5 125, इट इज 36, सो ग्रेटर इज दिस। ठीक है, आप बोलोगे 6 है शायद, तो 6 मत ग्रेटर है, नो नो। अनदर क्वेश्चन लाइक दिस, 4 × 4 एंड 2 × 2 × 2 × 2, 4 4 are 16, इट इज ऑल्सो 60, सो द साइन विल बी इक्वल साइन। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन होगा ऐसे, 2 by 3 raise power 6, इसको हम कहते हैं होल रेज पावर 6, बिकॉज होल मींस ये इसका भी है ये इसका भी है, दैट मींस आप नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सिक्स आर 18 नहीं करना गलती से भी, 2 raised power 6 दैट इज 64 एंड 3 raised power 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 × 3 81, 81 × 3 दैट विल बी 243, 243 × 3 दैट विल बी 729, सो आंसर विल बी 64/729, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है। हाँ।
यस मैम।